नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। सूबे में अपराधियों के हौसले किस कदर बढ़े हुए हैं कि वो पुलिस को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। मामला फतेहपुर के खागर कोतवाली के हरदो का डेरा गांव का है, जहां भैंस चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। बता दें कि इस दौरान टीम में करीब आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इस हमले में करीब 5 पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि गांव में चोरी की भैंसें मौजूद हैं। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर चोरी की भैंसों को बरामद भी कर लिया, लेकिन हमलावरों ने पुलिस टीम के ऊपर हमला करके भैंसें भी छुड़ा ली। वहीं इस हमले में खागर कोतवाली के एसएसआई प्रभुनाथ यादव, एसआई अमरुद्दीन सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। हद तो तब हो गई जब हमने इस मामले में जिले के कप्तान राहुल राज से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। ऐसे हुआ कि सुबह के टाइम ठकेरी में एक मुकदमा लिखा गया। हाँ। चोरी का भैंस की जी। पहले भी कई बार ये चोरी कर चुके हरदो नंदेरा वाले जी। तो उसी पे वहाँ के फोर्स के साथ हमारे एसएसआई सब लोग गए हैं फोर्स के साथ, 10-12 लोग हमारे थाने के थे। तो भैंस गड्ढे में छिपी हुई बंदी थी, तो उसको जो जिसकी भैंस थी मुखबिर खास था जी, तो उसने जब बताया कि यही सब मेरी भैंस से पड़ हुआ है तो हम लोग ले कर चल दिए। तब तक उसके बुढ़े बाप लल्लर ने अपने लड़कों को आवाज़ में कुछ कहा तो वो सब वहाँ से दौड़ पड़े। हाँ, तो मैं लाठी ईंटा औरतें बच्चे काफ़ी लोग आ गए। कौन कौन हुआ घायल? हमारे एसएसआई साहब को सामने कुछ ईंटा गुम्मा लगे, मुझे भी लाठी ईंटा और सिपाही फेंक के मारी गई। एक सिपाही है, एक होमगार्ड था। ये आगे हम लोग जब थे रोड पर तो फर्स्ट अटैक में रोकते रहे कि हमारे और साथी थोड़ा सुरक्षित हो जाए, हम लोग भी पीछे से भागे। आप क्योंकि मजमा हल्के के दरोगा कौन है? हल्के के नहीं है हम दरोगा, हल्का नंबर 3 के ये कस्बा में आता है, हरदो का डेरा ये कस्बे में आता है। क्या गया मुकदमा? एसएसआई महोदय बादी है हमारे जी, और उसमें धारा ये कार सरकार में बाधा है, चोरी की भैंस को छीन लेना और पुलिस मुजहमत तंगड़े में थी। हाँ, उसमें थोड़ा उजेला होने लगा तो बचाव करते हुए अपने आए। फिर हमारे इंस्पेक्टर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, सभी लोग काफ़ी अधिकारी पहुंच गए थे और कहे मूंदी चूटा लाठी बल्लम लोहा लगे क्या लिए रहते हैं। वो सब भी बच्चे टूट पड़े, उसके लल्लन खां के लड़के थे और भी पड़ोसी थे, नाम आम तो उनके जानते नहीं। मुकदमा लिख गया सब खिलाफ? मुकदमा लिख गया हाँ सभी के खिलाफ। कुछ नामजद हैं पकड़े नहीं गए? 25-30 अज्ञात हैं, दबिश दी जाएगी, भाग गए होंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।